गुर्जर आंदोलन को लेकर कर्नल किरोड़ी बैंसला एवं अशोक गहलोत हुए आमने सामने। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे और आपके चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली जो भी खबरें हैं आपको सबसे पहले मिलती रहे। कर्नल किरोड़ी बैंसला को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए, धौलपुर में भी गूंजे थे। गुर्जर आरक्षण को लेकर जो अशोक गहलोत एवं कर्नल किरोड़ी बैंसला आमने सामने हुए हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला गुर्जर के बड़े नेता हैं, जिन्होंने गुर्जर आंदोलन एवं गुर्जर आरक्षण के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। गुर्जर आरक्षण के लिए कर्नल किरोड़ी बैंसला ने धौलपुर, दौसा सहित भरतपुर कई जिलों में आंदोलन किए हैं, जिससे राजस्थान के अंदर काफ़ी कुछ गलत प्रभाव पड़ा है। और इस प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धारा 147 लागू कर दी, जिससे राजस्थान के अंदर जो भी गुर्जर हैं वो 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कर्नल किरोड़ी बैंसला को आप जानते ही होंगे, ये गुर्जर आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इन्होंने अशोक गहलोत से एक ट्वीट किया था कि हमारा आरक्षण जल्द ही पूर्ण करो, क्योंकि हमारे को आरक्षण की जल्दी ज़रूरत है और आप आरक्षण को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई ट्वीट ना आते हुए और आज सचिन पायलट का एक ट्वीट आया था कि गुर्जर आंदोलन को ज़रूर फायदा मिलेगा और गुर्जरों को इसका फ़ायदा हम ज़रूर देंगे। इसके साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो भी खबरें हैं राजस्थान के अंदर, जो प्रादेशिक खबरें एवं जिले जिले की खबरें एवं देश एवं अंतर्राष्ट्रीय जो भी खबरें हैं आपको सबसे पहले हम देते रहेंगे। अगर हमारे से कोई भूल होती है तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद मित्रों, हम राजनीति एवं देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक जल्द ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहो हमारे साथ।